अरे लगता होगा पैसा दी होगी ये औरत। अरे ऐसे औरतों को पैसे कमाने में देरी नहीं लगती। शर्म ना आती तुम लोगों को हमारे बारे में ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो ये सोचकर आ रही है कि तू सरपंच बन गई। औरत जात की कदर तो करो ना हो तुम लोग तो एक सरपंच की क्या खाक करो। दो भैया मेंढकी को जुखाम हो गया है। कल तक जो हमारे जूते में रहती थी आज कदर की बातें करती है। सुन सुजाता तू भीतर ना आ सकती। भूतपूर्व सरपंच साहब हम आपको एक बात बताते हैं कि अब ये दफ्तर हमारा है। जातिगत भेदभाव का ये अन्याय उस औरत के साथ हो रहा था जो अपने पंचायत की सरपंच थी, यानी जिस औरत पर पंचायत में न्याय को जिंदा रखने का दारोमदार था उसी के साथ नाइंसाफी हो रही थी। आखिर क्यों क्यों एक पंचायत की सरपंच के साथ इस तरह का शर्मनाक भेदभाव हो रहा था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत थी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटी जाति की थी? या फिर इसलिए कि एक औरत होने के बावजूद भी सरपंच जैसे पद को उसने अपने बलबूते पर हासिल कर लिया था? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये औरत इस मुकाम तक पहुंची कैसे, खास करके एक ऐसे गांव में जहां जाति और नारी दोनों को लेकर भेदभाव हावी था। ज्यादा डालना रे समझा, जल्दी जल्दी काम कर रहे, जल्दी कर, जल्दी करो। कुसुम लल्ला पछाड़ लगा रहे हो, उसको दूध पिला कर आते। जल्दी जल्दी काम करो रे। ए, अच्छा तो ये व्यवस्था, आराम हो रहा है, चल लग जा काम पे। दो मिनट दे दो भैया, लल्ला भूखो है, सुबह से हम बिना आराम के काम कर ही तो रहे थे ना। आराम करना है ना तो घर जाके पूरा आराम कर, यहाँ पूरा काम करना होगा तभी पूरे पैसे मिलेंगे, चल काम कर। रज्जो ले चल, लगा अंगूठा यहाँ पे। हाँ यहाँ लगा, जल्दी करो भैया। हमारी मजदूरी? काम करने वालों को पैसा देते हैं, आराम करने वालों को नहीं। चल हट यहाँ से। ऐसा ना करिए ठेकेदार जी, अगर हमें हमारी मजदूरी नहीं मिली तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारा लल्ला, हम इसे दूध कहाँ से पिलाएंगे ठेकेदार जी? ऐसा ना कीजिए, हमें हमारी मजदूरी दे दीजिए। क्या बात है, एक तो काम करती नहीं ऊपर से मजदूरी चाहिए। आखिर क्या गलती थी सुजाता की जो उसे उसकी मेहनत का पैसा नहीं दिया गया? एक औरत जो दिन भर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जी तोड़ मेहनत करती है, उसके साथ ऐसा रवैया सिर्फ इस बात का सबूत है कि सुजाता के गांव में मजदूरों के अधिकारों के साथ खुलेआम हनन हो रहा था। जिस गांव में सुजाता काम करती थी वहां बोर्ड के अनुसार मेहनताना 220 रुपया प्रतिदिन था और वहां का सुपरवाइजर हर मजदूर को तकरीबन इसका आधा ही देता था। अब ऐसे में महिला मजदूरों को दोहरी मार सहनी पड़ती है, बाहर मजदूरी की और घर में मजबूरी की। सरपंच जी, ए, दुरक। सरपंच जी हम अर्जी लेकर आए, हमारी बात तो सुनिए। जो बोलना है जल्दी बोल। सरपंच जी वो गांव के पास जो सड़क बन रही है हम वहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ के ठेकेदार ने हमारी आज की मजदूरी नहीं दी क्योंकि बस हम थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को देखने चले गए थे। तो इसमें हम क्या करें, जाके उसी से बात कर। सरपंच जी आप ही ने तो कहा था ना कि जो आपको वोट देगा आप उनकी मदद करेंगे, तो हमने आपको वोट दिया था, अब आप ही इंसाफ कीजिए। ठीक है तू जा यहाँ से, मैं उससे बात करता हूँ। कहाँ रे भैया, बड़ी शिकायत आ रही है तुम्हारी। अबे बोलो मत सुनो, मजदूरी नहीं देनी ये तुम्हारी मर्जी, मजदूरों को मजदूरी के लिए लड़ना उनका अधिकार, पर हमारे दरवाजे पर इस वजह से वोट की धौंस दे के कोई जाना नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान से सुन, उस लड़की को ऐसी सजा देना कि वो दोबारा ऐसी गलती ना कर पाए। समझ गया सरकार, समझ गया। जा।
पंजी आप। सुना है तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है, मजदूरों को पैसा नहीं दिया जा रहा। नहीं माई बाप, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। हम रोज का 200 रुपए मजदूरी देते हैं इनको, मैंने रजिस्टर पे लिख भी रखा है, आप ये देख लीजिए। लेकर आ, जल्दी ला। ये देख लीजिए सरकार, ये सोहन का है, ये मोहन का, ये कुसुम का और ये सुजाता का। देखिए देखिए सरकार। सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। ये अंगूठे का निशान तो इन्हें अभी अभी हमसे लगवाया है, ये देखिए। और ये कागज तो हाजिरी का कागज है। तुम में से जो भी झूठ बोल रहा होगा आज मैं उसे यहाँ से निकाल दूंगा, समझे? सरपंच जी, हम झूठ ना ही कह रहे हैं। अगर आपको हमारा विश्वास नहीं है तो आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, बताइए इन्हें कि क्या सच है। बोलो सच क्या है, बोलो। बोलते क्यों तुम लोग, बोलो। सरजू काका, सर तो भैया आप काहे डर रहे हैं, बताइए ना इन्हें क्या सच क्या है। देख लिया सरपंच जी, ये सारी गलती सुजाता की है। एक तो काम धाम करती नहीं, ऊपर से बैठ के दिन भर बच्चे को दूध पिलाती रहती है। परसों मैंने इसे इसी बात के लिए डांटा था, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। निकालो इसको यहाँ से, लेकर जाओ। हमारा कोई कुसूर नहीं है सरपंच जी। कुसुम, कुसुम ये बताइए सच्चाई क्या है? हम सच कह रहे हैं, अरे हम झूठ नहीं कह रहे। इस देश में हर रोज कितने ऐसे मजदूर हैं जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरते हैं। जरा सोचिए, पूरे दिन की मेहनत के बाद अगर उन्हें कुछ ना मिले तो उनके परिवार पर कितना गहरा असर पड़ता है। हम आपके हाथ जोड़ते, हमें सारे दीजिए, हमारे लल्ला को कुछ हो जाएगा। मैंने कहा ना नहीं मिल सकती। सरपंच जी, सरपंच जी, हमारी मदद कीजिए। सरपंच जी, हमारा लल्ला मर रहा है अस्पताल में। तो हम क्या करें, सरपंच है भगवान नहीं, जाके डॉक्टर को दिखा। सरपंच जी, वो हमसे 500 रुपया मांग रहा है। अब हम गरीब कहाँ से लाएंगे 500 रुपया? आप कुछ कीजिए सरपंच जी। कहीं से भी ला, तेरी जैसी औरतों का कहाँ भरोसा। पैसा हथियाने के लिए फिर से झूठ बोल रही हो। अरे ना सरपंच जी ना, अपना बच्चा है, अपने बच्चे के लिए ऐसा ना कर सके। आपको विश्वास नहीं होता ना तो आप हमारे साथ चल के अस्पताल में देख लीजिए। लेके जाओ उसे, बाहर निकालो। कल्पना कीजिए, एक लाचार माँ जो अपना इकलौता मासूम बच्चा खो चुकी है, वो कितनी घनी निराशा के अंधकार में जा सकती है। ऐसे में कोई भी सुजाता का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो इन सबसे अलग सोचता था, मास्टर रामदयाल। क्या कर रही है? हमको भूख लगी। क्या हुआ है बेटा, बोलो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, बोलो। बता बेटा क्या हुआ। क्यों हुआ, बुरा हुआ, पर आगे सुधारना हमारा काम है। तुम्हारे लिए काम है, हमारे स्कूल का सफाई कर्मचारी कुछ दिनों के लिए शहर गया है, तुम चाहो तो वो काम कर सकती हो। पैसे तो ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, हाँ तेरा गुजारा हो जाएगा। अगर मंजूर हो तो कल से काम शुरू कर सकते। सुजाता को महीनों में सिर्फ मास्टर रामदयाल एक ऐसा इंसान मिला जिसने ऊंच नीच के भेदभाव से उठकर उसे इंसान समझा, और आखिरकार सुजाता ने अपना नया काम शुरू कर दिया। पहली बार उसे लगा कि वो किसी की गुलाम नहीं है। धीरे धीरे सुजाता की जिंदगी से उसके बेटे का गम कम होने लगा और जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। ले बेटा, ये ले अपना पहला पारिश्रमिक।
इसी तरीके से काम किया करें। धन्यवाद मास्टर जी। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसका हाथ। छोड़ो। अरे तू कौन होता दार भात में मुंह सचन है रे? तो तू अब कबूतरी से बिल्ली हो गई है, पंजा मारेगी मुझे, मार। एक शब्द भी अपने मुंह से ना निकालना और ना हम पर हाथ उठाने की हिम्मत करना तू। अरे शर्म ना आई तुझे कि दारू के लिए तू यहाँ तक आ गया? अरे तब कहाँ चला गया था जब हमरा लल्ला मर रहा था? बता तू, एक बात कान खोल कर सुन ले, अब हम और अन्याय नहीं सहेंगे। अगर तूने हमारी सहन शक्ति की सीमा तोड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अन्याय के खिलाफ इस छोटी सी जीत ने सुजाता के आत्मविश्वास को जगा दिया था। अब वो समझ चुकी थी कि जब तक सहोगे तब तक अन्याय होता रहेगा। उसने खड़ा होना सीख लिया था और अब उसने ठान लिया था कि अब वो एक बेहतर जिंदगी जी के रहेगी। आसे, आसे, छोटी से और बड़ी से और छोटे उसे और बड़े उसे और री से हाँ और ए से ऐसे ऐनक हाँ और ओ से और औ से और अंग से और अ से कुछ नहीं। से कमल, से खरगोश, से खरगोश। अरे मास्टर जी आप, मैं तो बस यूं ही। यूं ही क्यों, ये तो अच्छी बात है, शिक्षा तो सबका अधिकार है। ये अधिकार सबको मिलता कहाँ है मास्टर जी? अगर आज हम पढ़े लिखे होते, सब कुछ जानते, तो उस दिन वो ठेकेदार हमें सबके सामने गलत नहीं साबित कर पाता। और आज हमारी ये हालत नहीं होती। जब मास्टर जी को पता चला कि सुजाता खुद पढ़ने लिखने की इतनी कोशिश कर रही है, तब मास्टर जी ने सुजाता को खुद पढ़ाने का निश्चय किया। क से कमल। मास्टर साहब, फसल खराब हो चुकी है। पिछले 6 महीने से जमींदार जो कर्जा लिया था उसका कोई किस्त जमा नहीं कर पाए। अब किसी तरह पैसा जुटा के जमा करने के लिए गए तो जमींदार ने मुझे भगा दिया, कहा कि मेरी गिरवी रखी जमीन अब उसकी हो चुकी है। अब आप ही बताइए मास्टर साहब, अब हम क्या करें? सरासर नाइंसाफी है, इस तरीके से कोई तुम्हारी जमीन नहीं ले सकता है। सोमवार को हम निचली अदालत में मुकदमा दायर करें। मास्टर जी नमस्ते। मास्टर जी क्या आप हमारी भी मदद कर सकते हैं? मतलब? मास्टर जी जब हम सड़क का काम कर रहे थे तो वहाँ के ठेकेदार का मुनीम हम में से किसी भी मजदूर को पूरे पैसे नहीं देता था, वो हमारे पैसे काट लेता था। हम चाह रहे थे कि उसे सजा मिले। जरूर मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है मास्टर? बिल्कुल हो सकता है। गांव से बाहर नहीं निकली सुजाता के लिए शहर जाकर मुकदमा लड़ना बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन मास्टर रामदयाल की मदद से वो ट्रेड यूनियन कोर्ट और पुलिस तक पहुंची
और किसी तरह से अपना मुकदमा दायर करने में कामयाब रही। कोर्ट ने रोड कॉन्ट्रैक्टर को समन भेजा। कॉन्ट्रैक्टर ने तुरंत सुपरवाइजर से इसका जवाब मांगा, लेकिन सुपरवाइजर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो सरपंच के पास गया, जो कि इस रोड कॉन्ट्रैक्ट के घोटाले का बराबर का हिस्सेदार था। और फिर सरपंच ने एक और गहरी साजिश रची। ए भैया, गेट खोलिए, अंदर जाने दीजिए। गेट नहीं खुलेगा, साहब से बात करिए। अरे खोलिए भाई, साहब से बात करिए, नहीं खुलेगा। अरे खोलिए, अंदर आने दो। ओ साहब, साहब क्या चिल्ला रहा है? गेटवा खोलिए, काम का है बंद है। जब तुम सब हमारे ऊपर केस डालोगे तो गेट बंद ही रहेगा ना। साहब जी देखो, हमारे काम का वक्त हो गया है और ये लोग अंदर नहीं आने दे रहे। जब तक सुजाता केस वापस नहीं ले लेती, इस साइड बंद ही रहेगा। सुजाता, ये तूने क्या किया? आज तुम्हारे ही कारण काम नहीं हमारे पास। तेरी तो वो स्कूलवा में नौकरी लग गई, पर हम अपने बाल बच्चन को लेकर कहाँ जाएं? बोल। अरे ना, ऐसी बात ना है। हमने ये सब सिर्फ हमारे वास्ते नहीं किया है, ये सब हमने हम सबके लिए किया है। तू बता, तेरे पति को मरे 9 महीने हो गए। काहे मरा? वो शराब पीकर बीमार पड़ गया था और अस्पताल में खर्च के लिए तेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए ना। और कुसुम, तू तो वहां दिन रात काम करती, फिर भी आज भी तेरे बच्चे चावल का पानी पीकर सो जाते। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम लोग काम करके बिना खाए मर जाना पसंद करोगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं पसंद करोगे। पर अब हम ये सब नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। छह महीने गुजर गए। सुपरवाइजर और सरपंच मिलकर सुजाता के लिए रोज एक नई मुसीबत खड़ी करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार सुजाता की मेहनत रंग लाई और कोर्ट ने फैसला उसी के हक में सुनाया। और कानून के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर को सुजाता और बाकी सभी मजदूरों को पूरा बकाया चुकाना पड़ा। गलती हो गई साहब, हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए साहब। तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है? मुझे काम से मत निकालिए साहब, गलती हो गई। सुजाता, तू ठीक थी बहन, तूने हमारा नसीब बदल दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सब कुछ मास्टर जी की वजह से हो पाया है। अगर मास्टर जी नहीं होते तो हम पढ़ाई लिखाई कभी नहीं कर पाते। और आज हमें पता चला कि शिक्षा कितनी जरूरी है। भारत में पंचायती राज के इतिहास में 24 अप्रैल 1993 एक खास दिन है। इस दिन संविधान के 73वें संशोधन को लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज में पिछड़े हुए और महिला वर्ग का उत्थान करना। इस कानून के तहत पंचायत चुनाव में सरपंचों की सीट के लिए पिछड़े तबकों को आरक्षण दिया गया, ताकि उन्हें शासन में पर्याप्त भागीदारी मिल सके। कुछ महीने बाद सरपंच पद के चुनाव होंगे। इस बार यहाँ की सीट पिछड़े वर्ग को आरक्षित की गई है। इसका मतलब आप में से कोई एक सरपंच चुना जाएगा। और इसलिए मैंने सरपंच के पद के उम्मीदवार के लिए आप सबके प्यारे हरिया को चुना है। मेरा सहयोग इसके साथ है और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसे सहयोग देकर विजयी बनाए। कमाल, इनका नेता कौन होगा उसे ये चुनेंगे? और इस चुनाव में तो कोई भी खड़ा हो सकता है, अब चाहे हरिया जीते चाहे कोई और। अच्छा, तो ये बात है, हम भी देखें जरा कौन खड़ा होता है हरिया के खिलाफ। नहीं नहीं मास्टर जी, ई का कह रहे हैं आप, ये हमसे नहीं हो सकेगा। नहीं नहीं सुजाता, तुम ही सही उम्मीदवार हो, तुम ही थी जिसने गांव वालों को उनका सही हक दिलवाया। मास्टर जी ठीक कह रहे सुजाता, तुझे चुनाव लड़ना होगा अपने लिए और हम सबके लिए। तू तो जानती है कि वो हरिया उस सरपंच का खास है। वो चुनाव जीत गया, नया सरपंच बन भी गया तो क्या, वो हुकुम तो अपने मालिक का ही मानेगा ना। हाँ सुजाता,
सरपंच के सारे दारू के ठेके ये हरियाई चलाता है और गांव के सारे मर्दों को इसी ने निकम्मा और नाकारा बना के रखा है। अरे दारू दो ना आर्या भैया। भैया अपने प्यास को समेट लो, काहे से कि अगर सुजाता सरपंच रणवीर के खिलाफ इसी तरह चलती रही तो तुम लोग आगे से दारू नहीं पी पाओगे। अगर वो चुनाव जीत गई तो सारे ठीके बंद, इसलिए बेटा अभी से आदत डाल लो। अरे सट 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 लो पिल्लू की औरत, अपनी औकात से बाहर मत निकल और एक बात कान खोल के सुन ले, अपना नाम चुनाव से वापस ले ले, नहीं तो तुम लोगन के कहने पर तो कभी नहीं। और एक बात तुम सभी कान खोल कर सुन लो, ये हमारा फैसला नहीं है, पूरे गांव का फैसला है ये। चलो सब। अरे कोई है, रुक जाओ, रुक जाओ। बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम लोगों की, सुजाता के घर तक चले आए। लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे ना, मारो सभी ने। कहीं चोट तो ना लगी ना तुझे? हाँ। अरे कहाँ जरूरत थी उन लोगों से भिड़ने की, जाने कहाँ लगी होगी। जिंदगी भर तो पी कर चोट खाई, आज बिना पिए खाई है, अच्छा लगा। तू चिंता मत कर सुजाता, जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते ना, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्यों बहनों? हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब ये महिलाओं की सेना हर प्रकार से युद्ध के लिए तैयार थी, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ उनकी आजादी के लिए नहीं बल्कि न्याय और समाज में बराबरी के हक के लिए भी था। और महिलाओं ने सामने आकर चुनाव खत्म होने तक सरपंच और उसके लोगों से सुजाता की सुरक्षा की। बेटा चिंता नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबरा। जीतेंगे तो आप ही हरिया बाबू, अभी रिजल्ट आता ही होगा। आपके ग्राम पंचायत का जो नया सरपंच चुना गया है उसका नाम है सुजाता। ज्यादा खुश मत हो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, समझे? सुजाता ने सरपंच का चुनाव बहुमत से जीता, लेकिन ये उसकी मंजिल नहीं थी, ये तो महज उसकी जिंदगी का एक पड़ाव था। गांव में मौजूद कई खामियों को जड़ से उखाड़ने का मन वो पहले ही बना चुकी थी। सुजाता के संघर्ष की दूसरी यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। अरे लगता होगा पैसा दी होगी ये औरत। अरे ऐसे औरतों को पैसे कमाने में देरी नहीं लगती। शर्म ना आती तुम लोगों को हमारे बारे में ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो ये सोच कर आ रही है कि तू सरपंच बन गई। औरत जात की कदर तो करो ना हो तुम लोग, तो एक सरपंच की क्या खाक करो। लो भैया मेंढकी को जुखाम हो गया। कल तक जो हमारे जूते में रहती थी आज कदर की बातें करती है। सुन सुजाता, तू भीतर ना आ सकती, तेरी जगह इन जूतों में, समझी? भूतपूर्व सरपंच साहब, हम आपको एक बात बताते हैं कि अब ई दफ्तर हमारा है। भारतीय संविधान 15 के तहत भारत सरकार जाति के आधार पर किए गए किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करती और भारतीय संविधान धारा 17 के तहत भारतीय सरकार छुआछूत या जाति के आधार पर किए गए किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करती बल्कि खारिज करती है।
और भूतपूर्व सरपंच साहब, सजा का प्रावधान भी है, आप कहें तो वो भी पढ़कर सुना दें। जाति के आधार पर भेदभाव और अशिक्षा सुजाता के गांव की सबसे अहम समस्याएं थी, लिहाजा उसने इन समस्याओं पर सबसे पहले ध्यान दिया। सुजाता जानती थी कि गांव में जातिगत भेदभाव तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक गांव में अशिक्षा की समस्या दूर नहीं होती, इसलिए उसने गांव में शिक्षा का अभियान चलाया। देश के विकास के लिए हम सबका पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और हम सबको अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। तो अब आप सब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे? हाँ भाई, हाँ भाई। जोर से बोलिए, भेजेंगे। और उसके बाद बारी थी गांव में मौजूद सरपंच के अवैध शराब के भट्टियों की, जिसने गांव की पारिवारिक खुशियों पर आग लगा रखी थी। ये क्या हो रहा है दरोगा? चिल्ला के बात मत करो, इलेक्शन हार चुके हो तुम। हमारे नए सरपंच की शिकायत पर एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया है। तुम्हारे हफ्ते से ज्यादा मुझे अपनी नौकरी प्यारी है, समझे? चल रिया, समेट लो सब, सील कर दो। सुजाता की इस मुहिम ने सरपंच की कमर तोड़ दी, तो उसने नए हथकंडे अपना लिए। उसने गांव के सभी लोगों में मुफ्त की शराब बांटी। मुफ्त में बढ़ती शराब को गांव के उन लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया जो नशे की गिरफ्त में थे और ये नहीं जानते थे कि सरपंच उन्हें किस जाल में फंसा रहा है। मास्टर जी, ये सब कैसे हो गया? ये जरूर हरिया का काम है, उसी ने इन लोगों को जहरीली शराब पिलाई होगी। सरपंच जी, दवाइयाँ खत्म हो गई है, शहर से दवाइयाँ मंगानी पड़ेगी तभी हम इलाज कर पाएंगे। ये कुछ दवाइयाँ लेनी। मास्टर जी, आप इन लोगों का ख्याल रखिए, मैं शहर से जाकर दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, वो निकल गई। जल्दी करो, हमें दवाइयां लेकर वापस गांव पहुंचना है। आज भी हमारे हुक्म से गाड़ी चलती और रुकती है। हाँ तो हमारी प्यारी सरपंच साहिबा, निकालो अपनी किताब और देखो जो हम तुम्हारे साथ करने जा रहे उस जुर्म की सजा का है। निकालो, अरे निकालो। हमारे उम्मीदवार को हरा दिया है तुमने, पर हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, कहां है तुम्हारी प्यारी सरपंच? जब गांव पे विपता आन पड़ी है तो कहां मुंह छुपा के भाग गई? खैर कोई बात नहीं, हम शहर से आप सबके लिए दवाई लाए हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको कितनी फिक्र है हमारी। आपकी पिलाई हुई जहरीली शराब का इल्जाम कहीं हमारी वजह से आप पर ना लग जाए, इसीलिए आपने हमें मारने की कोशिश की। दिन तो तेरे पूरे हो गए। कलेक्टर साहब, आप क्या क्या हुआ? मास्टर जी, इन्होंने तो हमें मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन भगवान की दया से हम बच गए। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। Social achievement award in Europe must be a proud feeling. How do you feel? ये पूछ रही हैं कि यूरोप में जो तुमको अवार्ड मिला है उसको पाकर तुम कैसा महसूस कर रही हो? बस हम गांव वालों का धन्यवाद देना चाहते हैं और मास्टर जी का शुक्रिया कहना चाहते हैं।
इच्छा शक्ति रखने वाला इंसान जब भी किसी मुसीबत में होता है तब वो उस मुसीबत से निकलने के लिए अपनी पूरी जान लगा लेता है। हम आप सभी गांव वालों का हमारी इस लड़ाई में साथ देने के लिए धन्यवाद करते हैं। सुजाता ने एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और उसे करीब करीब सभी में सफलता भी मिली। सुजाता की कोशिश से सरकारी डॉक्टर सस्पेंड हुआ और गांव के सभी लोगों को डिस्पेंसरी का पूरा फायदा मिला। सुजाता ने एक बात का खास ध्यान रखा था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर ना रहे, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। सुजाता की कहानी एक मिसाल है कि लिंग के आधार पर या जन्म या जात के आधार पर कोई ताकतवर या कमजोर नहीं हो जाता है। छोटी और कमजोर सोच होती है। एक अपराध मुक्त देश पाने के लिए हम सबको हमारी सोच बदलनी होगी। तो आप कब बदल रहे अपनी सोच? कल फिर आएंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।